पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी माहौल गर्मा गया, जिसके बाद बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस और कैप्टन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई डाइनिंग टेबल की है, जिसका भुगतान पंजाब भुगत रहा। और क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने, आइए सुनते हैं। बहुत कुछ कहा है उनका, मेरी ऑप्शंस खुली हैं, मेरा दम घुट रहा था। ये तो लगातार कांग्रेस में हो रहा है और ये पिड्डी और पुडल की लड़ाई है। कुछ पिड्डी के लॉयलिस्ट हैं, कुछ पुडल के लॉयलिस्ट हैं। इससे मैं पिड्डी के लॉयलिस्ट हावी हैं पुडल के लॉयलिस्ट के ऊपर। हकीकत यह है कि जो आज से कुछ साल पहले जो लोग कांग्रेस में छोड़कर गए थे, उन्हें कहा था कि हमें आजकल समय नहीं मिलता कांग्रेस के नेताओं का, वो कांग्रेस के नेता पीडी के साथ ज्यादा बिजी हैं। असल में लड़ाई है डाइनिंग टेबल की और उस डाइनिंग टेबल पर खींचा था नहीं चल रही है, उसका नतीजा है कि पंजाब भुगत रहा। बिल्कुल वहां पर हालत यही है कि जो उनके नेता हैं उनको ह्यूमिलेट किया जाता है और ह्यूमिलेट कर उनको बार कर सधा जा रहा है। और ये पहली वो जो चुका है, पहले लोग छोड़कर जाते हैं, कुछ लोगों ने हमारी पार्टी भी ज्वाइन किया, पर उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो डाइनिंग टेबल वाला नेतृत्व है, उनके पास उनके आम पार्टी के वर्कर के लिए, उनके बाकी लीडर्स के लिए टाइम नहीं है, इसलिए वो ह्यूमिलेट फील करते हैं। और जो उन्होंने आज बोला है कि उनके रास्ते खुले हैं, लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब में